नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। ठंड के गिरते ही बिहार के ऋषिकुंड पहुंचने लगे श्रद्धालु। बिहार में ठंड गिरते ही तपोस्थल के नाम से मशहूर स्थल मुंगेर का ऋषिकुंड सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा है। औषधीय गुणों से भरपूर एवं रामायण काल में तपोस्थल के नाम से मशहूर इस स्थल पर हर साल हर एक मौसम में सैलानियों का आगमन लगा रहता है, मगर कोरोना के कारण इस बार इस कुंड में आने वाले लोगों की संख्या में गिरावट देखने को मिली थी। ठंड बढ़ी है तो काफी संख्या में लोग ऋषिकुंड के गर्म जल का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। ऋषिकुंड में आकर औषधीय गुणों से भरपूर गर्म जल में अपना भोजन बनाकर भोजन का ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यहां के जल में बनाए गए भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। साथ ही यहां के पानी में स्नान करने से कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में नजर आए बिहार कांग्रेस। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में अब कांग्रेस भी समर्थन देने के लिए मैदान में उतर गई है। किसान कांग्रेस की बीते दिन हुई बैठक में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए कृषि कानून को वापस लेने की मांग उठाई गई है। मांग नहीं मानने पर प्रदेश में आंदोलन चलाने का फैसला हुआ है। इसी के साथ पार्टी ने एक अन्य प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया है। बैठक के बाद कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब दूसरे देशों में भी पहुंच गई है। कई देश ने इस पर चिंता जताई है। शैक्षणिक सत्र के 8 महीने के बावजूद छात्रों को नहीं मिल रहा है पोशाक। बिहार के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भले ही शैक्षिक सत्र का 8 महीना बीत चुका है, मगर अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को पैसे नहीं दिए गए हैं। फिलहाल इस राशि को देने को लेकर शिक्षा विभाग में भी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ छात्रों के अभिभावक पोशाक के साथ साथ अन्य योजनाओं की राशि का भी इंतजार कर रहे हैं, और यही कारण है कि प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किताब खरीदने और मध्याह्न भोजन की समतुल्य राशि दी गई है। हालांकि इससे पहले भी छात्रों के साथ ऐसा किया जा चुका है। शादी समारोह के लिए बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना के माहौल में होने वाले शादी समारोह को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अब 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन को देखें तो अब बिहार में कुल मिलाकर 200 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार ने इससे पहले मात्र 150 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही गाइडलाइन में संशोधन करते हुए बाराती को बैंड बाजे के साथ बारात निकालने की अनुमति भी दे दी गई थी, जो कि 3 दिसंबर तक प्रभावी थी। वहीं अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के पहले फेज में स्वास्थ्यकर्मी तो दूसरे फेज में आम नागरिकों का होगा टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन के पहले फेज में स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा, उसमें मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल होंगे। यह छात्र सीधे सीधे कोरोना इलाज से जुड़े हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर में आशा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायक और सफाईकर्मी को भी जगह दी गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के सभी हेल्थ वर्कर का डेटा तैयार किया जा रहा है। इसमें वैसे हेल्थ वर्कर को सबसे पहले वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जाएगी, जो सबसे पहले मरीजों के संपर्क में आते हैं। वहीं दूसरे फेज में आम नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, इसमें भी बुजुर्गों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। 2-3 दिनों के बाद और ज्यादा बढ़ेगी ठंड। बिहार में आने वाले दिनों में ठंड की मार का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2-3 दिनों के बाद राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। संवेदों की माने तो देश के ऊपरी इलाके कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर आने वाले दिनों में और अधिक दिखने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद बुधवार या गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलने वाला है। इस दौरान कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति भी बन सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों में धुंध की स्थिति इसी तरह बनी रहेगी। किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिहार में नया कोषांग बनाने की शुरू हुई तैयारी। केंद्रीय कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के अंतर्गत राज्य सरकार ने किसानों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करवाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बिहार कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन प्रणाली संभाग के नाम पर एक नए कोषांग के गठन का निर्णय लिया है। विभाग के विशेष सचिव को इसका मुखिया बनाया गया है, जिसके बाद बिना किसी शुल्क के संचालित होते रहे इसको ध्यान में रखकर ही इस प्रणाली को विकसित करने का काम किया गया है। बिहार में गंगा पर्यटन की दिशा में हो सकता है बड़ा काम। बिहार में गंगा पर्यटन की दिशा में बड़ा काम करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बेगूसराय के सिमरिया धाम मिथिला में जगत जननी जानकी के नाम पर जानकी पौड़ी का निर्माण कराकर बिहार में गंगा पर्यटन की दिशा में बड़ा काम किया जा सकता है। कुंभ सेवा समिति की परिकल्पना है कि सिमरिया धाम में प्रवाहित गंगा की पश्चिमी धारा में एक अलग उपधारा निकलकर स्नान एवं जल ग्रहण हेतु सुरक्षित और स्वच्छ पौड़ी का निर्माण हो, जैसा कि हरिद्वार में बना हुआ है। गया जंक्शन पर खोल दिया गया डोरमेट्री।
कोरोना के माहौल में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं बंद के बाद गया रेलवे स्टेशन पर डोरमेट्री को बंद किया गया था। हालांकि एसएससी की परीक्षा को देखते हुए ही जंक्शन पर डोरमेट्री को खोल दिया गया है, जिसके कारण बिहार से आने वाले छात्र छात्राओं को रहने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन परिसर में बने अर्णव होटल को भी खोल दिया गया है। इस संबंध में वाणिज्य पर्यवेक्षक रंजीत कुमार ने बताया है कि एसएससी की परीक्षा को देखते हुए रेलवे स्टेशन के डोरमेट्री को खोल दिया गया है। छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन माध्यम से 10 कमरे की बुकिंग भी वाली है। एससी एसटी आरक्षण पर सुशील मोदी ने किया दावा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बड़ा दावा किया है, जिसके तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव और छुआछूत आदि रहेगा, तब तक लोकसभा विधानसभा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए आगे कहा कि एससी एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण महात्मा गांधी और अम्बेडकर की देन है। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। किसान आंदोलन में महागठबंधन के उतरने के बाद से सत्ता पक्ष के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं, खासकर कि तेजस्वी यादव को लेकर बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच जदयू नेता नीरज कुमार ने भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जमीन का अमर्यादित सौदा किसने किया है, यह हर किसी को पता है। नीरज कुमार ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि तेजस्वी यादव जी बताएं कि किसानों की जमीन का अमर्यादित सौदा किसने किया था, बताएंगे कि किसानों को मजदूर बनाने वाले उनके पिता के कुकृत्यों में तरुण का रोल क्या है, नौकरी के नाम पर कितनों की जमीन उन्होंने लिखवाई है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए नए रूटों पर मोर्चा संभालने की शुरू हुई पहल। कृषि कानून को लेकर कल किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं किसानों की तरफ से बुलाए गए बंद को वाम दलों के अलावा कांग्रेस रालोसपा और अन्य कई दलों की तरफ से समर्थन मिला है। वहीं अब भारत को बंद कराने को लेकर कई पार्टियों ने अलग अलग मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में समूचे भारत में इसका व्यापक असर दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। बंद को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जोर सड़क और रेल मार्ग को अवरुद्ध करने को लेकर होने वाला है। जहीर खान ने पांड्या को लेकर कही अहम बात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते दिन खेले गए दूसरे T20 सीरीज में भारत को शानदार जीत मिली है। वहीं भारत की जीत में हार्दिक पांड्या जैसे कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का योगदान भी बखूबी देखने को मिला। वहीं हार्दिक पांड्या के बल्लेबाजी को लेकर जहीर खान ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हार्दिक डॉट बॉल से परेशान नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास है। अगर वो मैच किसी भी परिस्थिति में हिट कर सकते हैं तो उन्हें गेंदबाज की गलती का इंतजार करना चाहिए। उन्हें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि गेंदबाज दबाव में हो। जैसे जैसे वो ज्यादा मैच खेलते जाएंगे उनके खेल में और निखार आएगा। कौन बनेगा करोड़पति के इस कंटेस्टेंट की अनुष्का शर्मा ने की जमकर तारीफ। अनुष्का शर्मा इन दिनों अपना प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही है। वहीं इस दौरान वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रही है। इसी बीच अनुष्का शर्मा को कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हुए एक कंटेस्टेंट की खूब तारीफ करते देखा गया है, जिसके तहत अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में केबीसी 11 के वीडियो शेयर किए हैं। इसमें भावेश झा बेटियों पर एक कविता सुना रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने लिखा है, कितने परिपक्व व्यक्ति हैं भावेश कुमार झा, एक सुंदर कविता और सुंदर दिमाग बेटियों पर सुनाई गई इस कविता की अमिताभ बच्चन ने भी खूब सराहना की थी। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किसानों की तरफ से कल भारत बंद बुलाने का फैसला सही है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।